हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरु जी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। आज का सवाल है, हड़प्पा नगरों की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए, और चैप्टर है MHI 05। चलते हैं बिना समय गवाए शुरू करते हैं। जब भी प्रश्न लिखेंगे आंसर, तो उसका जो प्रश्न आएगा उस परीक्षा हॉल में, उसका लिखेंगे प्रश्न संख्या दो का आंसर, या प्रश्न संख्या दो का आंसर, या तीन आंसर, इस तरह से लिखना होगा। ठीक है, पढ़ते हैं बिना समय। सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अनेक साक्ष्य के आधार पर विद्वानों ने इसे नगरीय सभ्यता का नाम दिया। यहां नगरों का निर्माण सुनियोजित तरीकों से किया गया था। इस सभ्यता की नगर योजना अत्यंत ही आश्चर्यजनक एवं सुनियोजित थी। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर योजना थी। नगरों का निर्माण सुनियोजित तरीकों से किया गया था। सिंधु सभ्यता आधुनिक व्यवसायिक शैली पर निर्मित थी। खुदाई में मिले अवशेष सुंदर नगर निर्माण योजना के प्रदर्शक हैं। हड़प्पा का नगर मोहन जोदड़ो के नगर से बड़ा था। नगर निर्माण की दृष्टि से दोनों में पर्याप्त समानताएं हैं। नगर सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है। पहला, सड़क। नगरों में अधिकतर सड़कें बड़ी व चौड़ी एवं सीधी थी। यह मार्ग एक दूसरे को एक समकोण पर काटती है। यह सड़क 13 फीट लंबी और 33 फीट चौड़ी थी, जो नगर के ठीक बीच से गुजरती थी। यह 9 फुट से 12 फुट तक चौड़ी थी। नगर में अनेक गलियां भी हैं। मकानों के दरवाजे इन्हीं गलियों में खुलते हैं। नगरों की प्रमुख सड़क को प्रथम सड़क कहा गया है। सड़कों के किनारे कूड़ा डालने के लिए मिट्टी निर्मित पात्र रखे जाते थे। जी हाँ मित्रों, आगे बढ़ते हैं। मेरा चैनल का नाम है पंकज प्रत्युक्ता, एक बार सर्च करके जरूर देखेंगे। चलते हैं, नगर योजना के नगर चार्ट है, इस तरह से है, देख लीजिए। गलियों में उनके दरवाजे खुलते थे। देखिए यहाँ पर घरों के दरवाजे गली की तरफ खुलते थे। लोथल में घरों के दरवाजे सड़क पर खुलते थे। सड़कों और गलियों दोनों ओर भवन निर्मित थे। भवन सादगीपूर्ण एवं बाहरी साज सज्जा रहित था। इसमें छोटे बड़े नालियां थी गंदे पानी के निकलने हेतु। आगे देखते हैं, दूसरा, भवन। सड़कों और गलियों के दोनों ओर एक निश्चित योजना के अनुसार भवनों का निर्माण किया गया था। उत्खनन में छोटे बड़े भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भवनों का निर्माण नींव डालकर किया गया था। यह नींव कच्ची एवं टूटी फूटी ईंटों से की जाती थी। कच्ची ईंटों से बने भवन शायद भवन शायद शायद गरीब लोगों के बने होते होंगे। बाढ़ से बचने के लिए भवन निर्माण कच्ची ईंटों से बने ऊंचे ऊंचे चबूतरे पर किया जाता था। भवन सादगी पूर्ण एवं बाहरी साज सज्जा से रहित होता था। इसमें एकरूपता दिखाई देती है। पड़ोसियों के बीच विवादों से बचने के लिए भवनों के बीच में जगह छोड़ दिया जाता था, यानी दी जाती थी। इनको दोनों तरफ से बंद कर दिया जाता था। भवनों में रसोई घर, स्नानाघर, आंगन तथा शौचालय का निर्माण किया जाता था। भवन छोटे बड़े एक मंजिले तथा दो मंजिले होने के प्रमाण मिलते हैं। मकान के मध्य में आंगन होता था, जिसमें कमरों की खिड़कियां खुली थी। भवनों के द्वार राजमार्गों की ओर नहीं खुलते थे। दीवारों में अलमारियों का निर्माण किया जाता था तथा शंख हड्डी निर्मित खुटियों को दीवार में लगाया जाता था। भवनों में सड़कों की ओर खिड़की और रोशनदानों का निर्माण नहीं किया जाता था। मेके के अनुसार भवनों के दीवारों पर प्लास्टर किया जाता था। भवनों को
बनाने हेतु ईंटों के जोड़ने के लिए मिट्टी के गाढ़े का प्रयोग किया जाता था। भवनों में प्रयुक्त भवन में प्रयुक्त ईंटों के माप प्रायः 9.5 इंच गुने 4.35 गुने 2 इंच होते थे। छतों के ऊपर जल निकासी के लिए मिट्टी एवं लकड़ी के बरनाले बनाए जाते थे। भवन के स्नानागार पक्की ईंटों के बने होते थे। भवनों में नीचे की ओर शौचालय होता था। कहीं कहीं दूसरे मंजिले भी शौचालय होते थे। रसोई का निर्माण भवन के किसी कोने में किया जाता था। स्नानागार उस भाग में बनाया जाता था जो गली या सड़क के समीप हो। भवनों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, व्यक्तिगत निवास गृह एवं सार्वजनिक तथा राजकीय भवन। सार्वजनिक स्नानागार मोहनजोदड़ो के उत्खनन से सर्वाधिक विशाल एवं सार्वजनिक स्नानागार मिला है। इसके चारों ओर लगभग 15 फुट चौड़ा बरामदा है। इसकी लंबाई 180 फीट, चौड़ाई 108 फीट तथा 8 फीट गहरा जलाशय बना हुआ है। यह स्नानागार पक्की ईंटों का बना है। दीवारों पर 1 इंच तक मोटी राल का प्लास्टर किया गया है जिससे नमी न पहुंचे। स्नान के लिए चबूतरे एवं अंदर जाने के लिए 9 से 11 इंच चौड़ी सीढ़ियों का प्रबंध था। स्नानागार के अंतिम सीढ़ी 6 इंच ऊंची एवं 2 फीट चौड़ी थी। स्नानागार के दक्षिण व पश्चिम में एक अमाम बना हुआ है जिसमें स्नान हेतु गर्म जल की व्यवस्था थी। पास के कुछ कुएं से इस स्नानागार में जल आने की व्यवस्था की गई थी। चौथा कुआं, सिंधु कालीन कुएं जिनका निर्माण प्रत्येक घर में किया जाता था, अपने ईंटों की सुंदर पहचान के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध है। कुएं और पानी को सुरक्षित दूषित कर देती थी। ईंटे कालीबंगा और रंगपुर नगर को छोड़कर नगर निर्माण में पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है था। नगर निर्माण के कार्य में बड़ी ईंटों का एक निश्चित आकार थी। अधिकांशतः ईंटे आयताकार होते थे। ईंटों की लंबाई उनकी चौड़ाई की दुगनी तथा ऊंचाई 1/4 की 1/3 चौड़ी होती थी। इस प्रकार ईंटों की ऊंचाई चौड़ाई लंबाई की अनुपात 1:2:4 का था। सिंधु सभ्यता के लोग एल आकार एवं कुल्हाड़ी के आकार की ईंटों का भी प्रयोग करते थे। ईंटों के निर्माण में अधिकांशतः जलोढ़ मिट्टी का प्रयोग करते थे। ईंटों को पकाने के लिए एक ही जगह पर एकत्रित कर लकड़ियों के सहारे जलाकर पकाया जाता था। अन्नागार मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से विशाल अन्नागारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो का अन्नागार 45.71 मीटर तथा 15.23 मीटर चौड़ा है। हड़प्पा के दुर्ग से 8 अन्य अन्नागार मिले हैं। इनके दक्षिण में अनाज साफ करने हेतु ईंटों के गोलाकार चबूतरे बने हैं। ये अन्नागार 2 खंडों में विभक्त है। दोनों खंडों के लिए 18 फीट चौड़ा मार्ग है। मुख्य मार्ग नदी की ओर खुलता है। जल मार्ग द्वारा अनाज सुदूर क्षेत्र से लाकर एकत्रित किया जाता होगा। 8वां, सफाई व्यवस्था। सिंधु कालीन समस्त सड़कें मिट्टी के बने होते थे किंतु इसके सफाई के विशेष ध्यान रखा जाता था।
सफाई की व्यवस्था के लिए सड़के के किनारे यानी सड़कों के किनारे जगह जगह कूड़ा एकत्र करने हेतु मिट्टी के पात्र रखे जाते तथा तथा कहीं कहीं कूड़ा रखने के लिए गड्ढे खुदे हुए थे। नौवां, प्रकाश व्यवस्था। सिंधु वासियों ने सफाई के साथ साथ प्रकाश की भी उत्तम व्यवस्था कर रखी थी। मोहनजोदड़ो के गलियों सड़कों के किनारे खंभों के मिलने से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि प्रकाश का व्यवस्था किया गया था। उस समय मोमबत्ती की उपलब्धता थी, परंतु यह कहना मुश्किल है कि उस समय प्रकाश के लिए सरसों का तेल था, मोमबत्ती का प्रयोग किया जाता होगा। यहाँ तक बने लिखे, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और यह चैप्टर MHI का 5 का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इसे एक बार जरूर देख लेंगे, सुन लेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।